हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी पराठा। गोभी पराठा बनाने के लिए हमने लिया है ये हाफ कप मैंने मैदा लिया है और हाफ कप गेहूं का आटा लिया है। ये 1/4 केजी हमने कॉलीफ्लावर लिया है फूल गोभी, जिसे हमने थोड़ा सा हल्दी डाल के 2-3 मिनट के लिए बॉईल करके लिया है। ये 1/4 कप बेसन है, चना फ्लावर, ये थोड़ा सा धनिया पत्ते हमने कट करके ली है। हाफ टी स्पून हमने जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, ये थोड़ा सा अजवाइन है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, और हमने ऑयल लिया है स्टफिंग बनाने के लिए और पराठों को थोड़ा सा फ्राई करने के लिए, और पानी हमें लगेगा आटा गूंदने के लिए। तो आइए हम गोभी पराठा बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड, पहले हम आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए ये थोड़ा सा अजवाइन हमने लिया है वो इसमें डालते हैं। वन हाफ टी स्पून हम नमक डालेंगे और एकदम थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। अभी हम आटा गूंद लेते हैं। ये हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंदेंगे। हमें ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे रेस्ट देंगे, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम पराठे का स्टफिंग बनाते हैं। ये हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हुआ है, अब हम इसमें ये गोभी डालेंगे। गैस का फ्लेम कम रखेंगे। ये जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, एक टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टीस्पून हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे ताकि हमारा गोभी अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोभी पक चुका है। अब हम इसका ढक्कन निकाल लेते हैं और इसमें 2 चम्मच बेसन मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने बेसन से इसका बाइंडिंग बहुत अच्छा होता है और पराठा अच्छा बनता है, इसलिए हम सब्जी में थोड़ा सा बेसन मिक्स करते हैं। वापिस से ढक कर रख के हम इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो इसमें बेसन डाला था वो तो पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं स्टफिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा अभी रेस्ट हो चुका है। इसे हम थोड़े से अच्छे से मसल लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के हम मसल लेंगे।
अब हम इसके पराठे बनाते हैं। अब हम इसकी लोइयां निकाल लेते हैं। आइए हम पराठा बेल लेते हैं। इसमें हम ये पराठे की स्टफिंग डालेंगे और पराठे को सभी साइड से अच्छे से बंद कर लेंगे। पराठे को एकदम अच्छे से बंद करना है और ऊपर का पोर्शन निकाल लेना है। इसे हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टफिंग कितना पूरी तरह से इसमें भरा हुआ है। साइड तक उसको दिख रहा है कि स्टफिंग उसमें है ऐसा। अब मैं इसे ये गैस पे हमने तवा रख लिया है, इसके ऊपर हम ये पराठा डालेंगे। जब तक कि पराठे को ब्राउन स्पॉट नहीं आ जाते तब तक हम उसे अच्छे से सेकेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। दोनों साइड से हमें ऑयल लगाना है पूरी तरह से। इसके ऊपर ऑयल लगा के इसे हम फ्लिप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर आ गए हैं। हमारा पराठा बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम सभी पराठे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गोभी पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।